जी नमस्कार, दर्शकों को कृपया अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक बार बताना चाहता हूं कि मैं आज लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि कुछ कथाकथित लोग लाल रंग को लेकर के मुद्दा बनाए हुए हैं। उनके जानकारी के लिए मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि मैं हर एक चीज़ लाल रंग का प्रयोग करता हूं। दोस्तों, मैं देखिए गमछा भी लाल रंग का लगाया हूं। मुझे कोई यादों कहे या फिर किसी भी वर्ग जाति से संबोधित करे, उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोग हमको यादों भी बोलते हैं, लेकिन मैं यादों नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये लाल रंग लगा लेने से। और देखिए, मैं ठंडी का मौसम है, मैं स्वेटर भी लाल रंग का ही पहनता हूँ, आप लोगों के सामने ही है। और दोस्तों, मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो लोग लाल रंग से इतना जलते हैं, इतना चिढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो हमारे विद्यार्थीगण को कब तक चुनौतियाँ बनाएंगे। हमारे विद्यार्थीगण भी इस बात को समझते हैं कि लाल रंग कितना दूरी तक दिखाई देता है। ये फिजिक्स का चैप्टर है, लाल रंग सूर्य भगवान का रंग है। सुबह उठ करके आदमी सूर्य भगवान को प्रणाम करता है, लाल रंग कोई बुराई का संदेह नहीं देता है। दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए मैं पुनः एक बार और बता देना चाहता हूँ, जब लोहा जलता है तो उसमें से आग निकलता है और वह रंग लाल कलर का होता है। और वहीं से हमारी समाजवादी पार्टी का जो रंग है वो भी लाल कलर का है। और मैं आप सभी लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि 2022 में एक बार पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और एक बार पुनः अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे।